Assalamu alaikum, I am Aisha. Welcome to my channel Learn to Lead. हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस पेपर वन का कोर्स पढ़ रहे हैं और हम उसके पहले दो पोर्शंस कंप्लीट कर चुके हैं. अब हम लोग उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन पे आए हैं जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि थीरीज कंप्लीट करने के बाद इंटरनेशनल पॉलिटिकल कम्युनिटी की तरफ आ जाएंगे, उसके बाद बाकी के पोर्शन की तरफ जाएंगे. तो पहले इंटरनेशनल पॉलिटिकल कम्युनिटी डिस्कस करते हैं. इंटरनेशनल पॉलिटिकल कम्युनिटी का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें आपको तीन टॉपिक्स नजर आएंगे. एक नजर आएगा नेशनलिज्म, दूसरा नजर आएगा इंटरनेशनलिज्म और तीसरा होगा ग्लोबलाइजेशन. तीनों को डिस्कस करेंगे. आज सिर्फ नेशनलिज्म और इंटरनेशनलिज्म पढ़ेंगे, ग्लोबलाइजेशन हम अलग से नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले अगर हम देखें तो पहले हम लोग इनको जनरली डिस्कस कर लेते हैं कि इनका आपस का लिंक क्या होता है. तो सबसे पहले अगर हम लोग नेशनलिज्म की बात करें ना, तो नेशनलिज्म मतलब नेशन को, अपनी ही स्टेट को, स्टेट के अंदर सिर्फ नेशन को. जैसे अमेरिकन्स का एक स्लोगन है द अमेरिकन्स, वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और अमेरिका की सारी चीजें और अमेरिकन आइडेंटिटी उसको बहुत ज्यादा डियर मानते हैं और बाकियों को खुद से अलग मानते हैं, तो वो नेशनलिस्ट उनकी पॉलिसीज होती हैं. हिंदुत्व की बात करें अगर तो सिर्फ और सिर्फ हिंदूज, इंडिया सिर्फ हिंदुओं का है, अखंड भारत की बात करना, दिस इज नेशनलिज्म. सिर्फ और सिर्फ अपनी नेशन के लिए अफिलिएशन शो करना, बाकी नेशंस को इन्फीरियर मानना, इसको कहते हैं नेशनल. थोड़ा सा इससे अगर रिलैक्स फेज में चले जाए तो इंटरनेशनलिज्म की तरफ चले जाते हैं. इंटरनेशनलिज्म में क्या होता है, रीजनल बेसिस के ऊपर कोऑपरेशन आ जाना, किसी दो तीन स्टेट्स का आपस में कोऑपरेट करना, इसको हम कहते हैं इंटरनेशनलिज्म. के थोड़ा सा वो नेशनलिस्ट पॉलिसीज को रिलैक्स करना, दूसरों के लिए एक्सेप्टेंस शो करना, इंटरनेशनलिज्म की तरफ जाना, इंस्टीट्यूशंस बना देना, आपस में कोऑपरेट करना शुरू कर देना, थोड़ी सी लिबरल पॉलिसीज आ जाना, इसको कहते हैं इंटरनेशनलिज्म. जहां तक ग्लोबलाइजेशन की बात है तो ग्लोबलाइजेशन कहते हैं पूरे के पूरे वर्ल्ड का इंटीग्रेट हो जाना, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी, टेक्नोलॉजिकली भी. तो अगर हम लोग देखें तो नेशनलिज्म और ग्लोबलाइजेशन हम लोगों को बिल्कुल एक दूसरे से 180 डिग्रीज ऑपोजिट नजर आते हैं ना, कि नेशनलिज्म में बस अपनी बाउंड्रीज कन्फाइंड कर देना, खुद तक रहना, और ग्लोबलाइजेशन में अपनी बाउंड्रीज को खोल देना और एक्सेप्ट करना, दूसरों को इंटीग्रेट हो जाना, एक ग्लोबल विलेज बना देना. तो इस तरह से ओवरऑल इंटरनेशनल पॉलिटिकल कम्युनिटी पूरी की पूरी इन तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है. कहीं नेशनलिज्म प्रोमोट होता हुआ देखते हैं हम, कहीं इंटरनेशनलिज्म और कहीं ग्लोबलाइजेशन. तो सबसे पहले नेशनलिज्म को डिस्कस करते हैं. नेशनलिज्म जिसको यूनिलिटरलिज्म भी कहते हैं. एक बात याद रखिएगा, इंटरनेशनल रिलेशंस में एक कॉन्सेप्ट के बहुत सारे नाम हैं, आपको सब पता होने चाहिए. पेपर में अगर कोई भी घुमा फिरा के नाम दिया जाए, अब जैसे यूनिलिटरलिज्म का अगर पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि नेशनलिज्म के बारे में पूछा जा रहा है, और इसी तरह से बाकी भी जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं. तो सबसे पहले नेशनलिज्म देखते हैं, उसको यूनिलिटरलिज्म कहा जाता है. अब नेशनलिज्म का क्या मतलब है, खुद को, अपनी नेशन को, अपनी स्टेट के कन्फाइंड बाउंड्रीज के अंदर सब कुछ, हर एक चीज को एक्सक्लूसिव मानना, डिस्टिंक्ट मानना और सुपीरियर मानना, खुद को बाकियों से सुपीरियर मानना. एग्जाम्पल मैं आपको दे चुकी हूँ हिंदुत्व की, एग्जाम्पल मैं आपको दे चुकी हूँ द अमेरिकन्स की. तो खुद को सबसे डिस्टिंक्ट मानना और दूसरों से सुपीरियर मानना, इसको कहते हैं नेशनलिज्म. आगे नेशनलिज्म की अब दो टाइप्स होती हैं, एक होता है आइडियोलॉजिकल नेशनलिज्म, दूसरा है पोलिटिकल नेशनलिज्म. आइडियोलॉजिकल नेशनलिज्म क्या होता है, जब नेशनलिज्म को एज एन आइडियोलॉजी परस्यू किया जाता है तो उसको आइडियोलॉजिकल नेशनलिज्म कहा जाता है. जहां तक पॉलिटिकल नेशनलिज्म की बात है तो जब नेशनलिज्म को एज अ पॉलिटिकल मूवमेंट चलाया जाए, चाहे उस टाइम पे नेशन सप्रेस्ड हो, किसी और की गवर्नमेंट हो, या फिर नेशन अलग से ही एक स्टेट के अंदर ही कोई पॉलिटिकल मूवमेंट चल जाए लेकिन नेशनलिज्म के बेस के ऊपर चल जाए, तो फिर उसको हम कहते हैं पॉलिटिकल नेशनलिज्म. आइडियोलॉजिकल नेशनलिज्म की जहां तक बात करते हैं, जो कि नेशनलिज्म जब एज एन आइडियोलॉजी परस्यू किया जाता है तो फिर क्या होता है. अब आइडियोलॉजी परस्यू करने का क्या मतलब हुआ, मतलब कि एक स्टेट है उसकी आइडियोलॉजी ही नेशनलिज्म वाली, उसकी आइडियोलॉजी ही ये है कि मैं, हम सुपीरियर हैं, हम डिस्टिंक्ट हैं, हम एक्सक्लूसिव हैं, तो हम बाकियों से डिफरेंट हैं. जब इस तरह से अपनी एक आइडियोलॉजी ही नेशनलिज्म की बेस के ऊपर स्टेट्स बना देती हैं तो फिर क्या होता है, स्टेट्स या तो आइसोलेशन में चली जाती हैं या एक्सपेंशन की तरफ चली जाती हैं. अब जब एक स्टेट खुद को दूसरों से डिस्टिंक्ट और सुपीरियर मानेगी तो तभी वो आइसोलेशन में जाएगी ना, कि चलो मैं किसी के साथ भी रिलेशंस नहीं रखना चाहती, I am self-sufficient, I am superior, I can do everything for myself, I don't need to cooperate with any other state.
ऐसा ही है, फिर आइसोलेशन में चली जाती हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एग्जांपल लेते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंडिपेंडेंस के बाद एक सेंचुरी तक ये आइसोलेशन में था, आइसोलेशन में था, ये आइडियोलॉजिकल नेशनलिज्म को परस्यू कर रहा था, ये यही कहता था कि हम लोग यूरोप की स्टेट्स के अंदर उनके मैटर्स में इंटरवीन नहीं करते, उनकी वॉर्स में हम लोग नहीं जाते। आजकल अगर हम लोग करंटली देखें तो नॉर्थ कोरिया की हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, नॉर्थ कोरिया आइडियोलॉजिकल नेशनलिज्म को परस्यू करते हुए आइसोलेशन में है, किसी और के साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहता, खुद को सुपीरियर मानता है, खुद को बाकियों से डिस्टिंक्ट मानता है। दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें, जब आइडियोलॉजिकल नेशनलिज्म होगा, जब एक स्टेट खुद को दूसरों से डिस्टिंक्ट और सुपीरियर मानेगी, तो वो स्टेट ये भी हो सकता है कि वो बाकियों के ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करे और एक्सपेंशन करने की कोशिश करे। तो ऐसा ही हम लोगों को नजर आता है एक्सपेंशनिज्म में, जब आइडियोलॉजिकल नेशनैलिटी जब 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 नेशनलिज्म एज एन आइडियोलॉजी परस्यू हो रहा हो। उसमें एक्सपेंशन की अगर हम एग्जांपल लें तो हम देखते हैं हिंदुत्व की एग्जांपल, अखंड भारत का कॉन्सेप्ट और सिर्फ हिंदू के लिए ही इंडिया को मानना या हिंदुस्तान को बनाना एज अखंड भारत या भारत को सिर्फ हिंदूज का मानना, ये है नेशनलिज्म का एज एन आइडियोलॉजी परस्यू होना। इससे नजर आता है कि हिंदू खुद को या फिर हिंदुत्व आइडियोलॉजी रखने वाले खुद को सुपीरियर मानते हैं, खुद को दूसरों से डिस्टिंक्ट मानते हैं, इसलिए दूसरों के ऊपर भी एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं और एरियाज को कैप्चर करके अखंड भारत बनाना चाह रहे हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपको इसका बेनिफिट हो सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।